नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल में बहुत स्वागत है। तो गाइस, अगर आपने कभी भी तोते को ध्यान से देखा होगा ना, तो उनके गर्दन में एक काले रंग की रिंग होती है। लेकिन ये जो काले रंग की रिंग है ना, ये हर तोते के गर्दन में नहीं भी होती है। तो आज हम इस पर बात करते हैं कि तोते के गले में रिंग कब और क्यों आती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर आपके तोते के गर्दन में ये रिंग नहीं है ना, तो इसके पीछे इसका कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि तोते के गले में रिंग कब आती है। तो देखो, जो अलेक्जेंडर पैरोट है, पैराक्रीट पैरोट है और जो इंडो रिंगनेक पैरोट है ना, ये सब का प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो अगर आपने पैरोट लिया है ना, तो उसके गले पर रिंग जो है वो 1 से 1.5 साल तक में बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसको पूरा कंप्लीट होने में ना 2.5 से 3 साल तक का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 रिंग आती है, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मिट्टू का देखो एक काला रिंग है और एक रेड कलर का भी रिंग है जो कि लाल रिंग है, ठीक है। तो देखो, जो काला रिंग है ना, ये 1 से 1.5 साल में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काले रंग की रिंग है ना, सबसे पहले ये रिंग आती है। ये रिंग को बनने में 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है। जब ये रिंग बन जाती है तो एक मोल्टिंग पीरियड आता है। मोल्टिंग पीरियड में जो पुराने पंख है वो झड़ के नए पंख आते हैं, ठीक है। तो मोल्टिंग पीरियड के बाद ना न्यू रिंग आती है। ये जो न्यू रिंग आती है उसका कलर लाल होता है। तो पहले काला रिंग आता है, उसके बाद मोल्टिंग पीरियड के बाद लाल रंग का रिंग आता है। इतना आप लोगों को क्लियर है। इसके साथ ही गाइस, मैं आपको ये भी समझा दूँ, मोल्टिंग पीरियड पर कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस, इस पर बात कर लेंगे कि तोते के गले में रिंग क्यों आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि अगर आपका पैरोट एडल्ट हो गया है, या तो मतलब कि वो एक एडल्ट स्टेज पे पहुंच गया है ना, तो उसके गले में रिंग आती है, ठीक है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि कोई कोई तोते के गले में रिंग क्यों नहीं आती है। अगर आपके तोते का जेंडर लड़का है ना, अगर वो लड़का है तो ही उसके गले में रिंग आएगी, वरना उसके गले में रिंग नहीं आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। एक और भी आप लोगों को डाउट होता है कि आप लोग बोलते हो कि जो फीमेल पैरोट है ना, उस समय थोड़ी थोड़ी सी रिंग दिख रही है। लेकिन देखो गाइस, अगर आपका पैरोट फीमेल, अगर आपका पैरोट लड़की है ना, तो उससे गर्दन में रिंग कभी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो आप इस वीडियो में देख रहे हो ना, ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये शैडो रिंग है, ठीक है। ये एक विजिबल रिंग है जो कि थोड़ी सी दिखती है। फीमेल पैरोट में जो ये रिंग दिखती है ना, इस रिंग का कलर ना ही रेड होता है ना ही ब्लैक होता है, ये एक विजिबल रिंग है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।